नमस्कार मित्रों, आप सभी का मनी टू चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, और आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक जो कि ऑटो एंसिलरी सेक्टर से रिलेटेड है लेकर आए हैं, जो कि इस पैनिक मार्केट में भी शानदार तरीके से अपने सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर रहा है। और ये फ्यूचर ओरिएंटेड मल्टी वैल्यू स्टॉक है जो कि आपको बहुत ही शानदार अल्टीमेट रिटर्न देने की क्षमता रखता है आने वाले समय में या आने वाले वर्ष में। फिलहाल मार्केट इस वक्त पैनिक है, अगले कुछ महीने कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट किस तरफ बढ़ेगा किस तरफ गिरेगा। बट ये जो कंसोलिडेशन है ये मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इस वक्त जितने भी हायर वैल्यू स्टॉक्स थे वो सभी आपको काफ़ी लोअर प्राइस में इस वक्त अवेलेबल हैं। आप उनमें अपनी एंट्री पोजिशंस को बनाने के बारे में विचार कर सकते हैं, कौन से लेवल है वो भी आप उसको देख के ट्रैक कर सकते हैं। तो आज का स्टॉक ऑटो एंसिलरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और ये स्टॉक है मदरसन सूमी का। जी हाँ, काफ़ी लोग स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने क्वेरीज भी की, बट हमें लगता है कि जो मदरसन सूमी का जो करंट प्राइस है वहाँ से जो डाउनसाइड बहुत ही सीमित है। मैं आपको बेसिकली मदरसन सूमी के बारे में ब्रीफ में बता देता हूँ। इसका जो BSE कोड है 517334 मदरसन सूमी, इसका NSE कोड है, ऑटो एंसिलरी सेक्टर का स्टॉक है। 256 रुपीज़ का इस समय स्टॉक चल रहा है। हमने 243 के रेट पे हमने टेलीग्राम पे अपने मेंबर्स को बताया था फ्राइडे को, और फ्राइडे को ही इसने एक अच्छे मूवमेंट के साथ बंद किया 246 के लेवल पे। डाउनसाइड बहुत सीमित है, 235 का इसका सपोर्टेबल रहेगा और बहुत से बहुत इसका अगर गिरावट रहती है 220 जो है इसका अल्टीमेट सपोर्ट, अगर हम कहेंगे लॉन्ग टर्म का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो 220 के रेंज का है। इसके अलावा अगर मैं आपको इसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ तो लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनी है। लगभग 55,000 करोड़ का इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 53,726 करोड़ का, 8.37 के इसका EPS है, PE इसका 30 का चल रहा है जबकि इंडस्ट्री PE 59 का, यानी कि अल्टीमेट ग्रोथ के चांसेस हैं। PE भी काफ़ी लो है, 4.18 का इसका जो भी प्राइस टू बुक वैल्यू है वो चल रहा है। तो अभी कुछ टाइम हो सकता है ये अप एंड डाउन करके कंसोलिडेट होता रहे। रेस्ट अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 की इसकी फेस वैल्यू है। इसके अलावा एक्स बोनस यानी कि कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया हुआ है, एवरी 2 शेयर्स पर 1 शेयर बोनस मिलेगा और इसकी जो डेट है वो 30th अक्टूबर की डेट है। एक्स यानी कि 30th अक्टूबर तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में मदरसन सूमी का स्टॉक दिखाई दे रहा है 30th अक्टूबर को 30 अक्टूबर तक, तो आपको इस स्टॉक में बोनस भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बोर्ड मीटिंग 14 नवंबर को है जो कि क्वार्टरली नंबर्स को पोस्ट करेगी। फिलहाल आज जो तारीख है लगभग आज की तारीख एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मुझे भी डेट याद नहीं रहती इतनी ज़्यादा काम के चक्कर में। तो आज की डेट है, आई जस्ट फॉरगेट, 20th अक्टूबर, यानी कि अभी आपके पास 10 डेज़ हैं आपके पास इस स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप बोनस के अधिकारी हो जाएंगे 30 तारीख के बाद। आप इसको अगर बेच भी देते हैं 30th अक्टूबर के बाद, आप इसको अगर बेच भी देते हैं तब भी आपको बोनस शेयर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन गाइडलाइन ये देखने वाली है कि आप बोनस शेयर्स को कितने समय तक होल्ड करने का मैंडेटरी पॉलिसी रहेगी, ये हम आपको आगे आने वाले समय में बताएंगे जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, खैर ये हमने बात की आपको बोनस शेयर की जो कि इसकी एक्स बोनस डेट है 30 अक्टूबर 2018 की। हर 2 शेयर पर आपको 1 बोनस शेयर अलॉट करेगी कंपनी। फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे तो क्वार्टरली नंबर काफ़ी बेहतर है कंपनी के, जून क्वार्टर के हम लोग कंसोलिडेटेड देखते हैं क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है जो कि काम करता है। एंड क्वार्टरली नंबर कंसोलिडेटेड पूरा ग्रुप की परफॉर्मेंस बताती है आपकी। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड में तो लगभग 14,560 टोटल इसकी नेट सेल्स रही है इस जून क्वार्टर में, जबकि लास्ट जून क्वार्टर में लगभग 13,000 करोड़, यानी कि लगभग 1500 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है।
साथ ही प्रॉफिट की बात करें तो 582 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जबकि लास्ट ईयर 311 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इनका कुछ गया है 175 करोड़ का, जो कि लगभग पिछली बार 70 करोड़ के आसपास गया था। तो ओवरऑल अगर हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद का नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो लगभग 443 यानी 443 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर जून में 277 करोड़ का था। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस साउंड गुड है। एनुअल नंबर की बात करेंगे अगर हम, तो दोस्तों एनुअल नंबर में इनका जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था 2018 मार्च में, वो लगभग 650 करोड़ के आसपास का माइनॉरिटी इंटरेस्ट गया था। जो सेल्स थी इनकी मार्च 18 में कंसोलिडेटेड ग्राउंड पे, वो लगभग 55,858 यानी लगभग 56,000 करोड़ के आसपास की सेल्स थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले शानदार थी। लगभग 1400 करोड़ के आसपास कंपनी ने 56,000 करोड़ मार्च में थी, और 42,000 करोड़ यानी कि लगभग 14,000 करोड़ के आसपास जो सेल्स थी कंपनी की राइज की, और ये इसकी बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीबीटी पे आ जाएंगे, एक्सेप्शनल आइटम भी लगभग 177 करोड़ के आसपास का लॉस रहा एक्सेप्शनली कंपनी को। अदर इनकम लगभग 170 करोड़ के आसपास रही है, जो कि लास्ट ईयर 264 करोड़ के आसपास 2017 में रही थी। बाकी पीबीटी इस बार जो रहा है मार्च 18 में, वो 3129 करोड़ के आसपास है, जबकि लास्ट ईयर 2899 करोड़ के आसपास रहा था। तो इनका पीबीटी भी इंक्रीज हुआ, बट इनका 1000 करोड़ का टैक्स गया इस बार, लगभग पिछली बार 900 करोड़ का टैक्स पेमेंट किया था। उसके अलावा अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछली बार 1989 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जबकि इस बार 2018 में 2121 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। उसके अलावा इनका माइनॉरिटी इंटरेस्ट पिछले साल कुछ नहीं गया था, इस वर्ष इनका लगभग 662 करोड़ के आसपास का बड़ा एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट गया है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल नेट प्रॉफिट कंपनी को मिला वो पिछले साल के मुकाबले कम हो गया, और 1597 करोड़ का इनका एक्चुअल नेट प्रॉफिट रह गया, जिसकी वजह से थोड़ा दबाव रहा, प्रेशर रहा स्टॉक के प्राइस में, कुछ गिरावट भी आई। बट अब मुझे लगता है कि स्टॉक सस्टेन कर रहा है अपने इन करंट लेवल्स के ऊपर, लगभग 7.5 के ईपीएस, लगभग 7.5 का ईपीएस लगभग रहा है 2018 का। सो ओवरऑल बाकी तो मुझे फंडामेंटल्स में कोई इशू नहीं लग रहा है कंपनी के। और अगर इनका बिजनेस देखेंगे तो ऑटो एंसिलरी का बिजनेस है, इनका बिजनेस प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, प्लास्टिक मोल्डिंग है, मॉड्यूल्स एंड द सिस्टम्स, एचवीएसी सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम्स, एयर इनटेक, ठीक है, मैनिफोल्ड, पीडल बॉक्स असेंबली, शॉकर्स, केबिन फॉर द हाई, जो भी हाईवे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए, वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम्स वगैरह है, टूलिंग, आईटी सर्विसेज, मेटल वर्किंग, कटिंग टूलिंग, गियर कटिंग टूल्स, ठीक है। तो ये सारे इनकी सर्विसेज हैं, जो कि आप इनकी वेबसाइट्स motherson.com पर जाकर देख सकते हैं। इनकी जो अदर ग्रुप कंपनीज़ है वो भी आप ग्रुप कंपनीज़ के अंडर में देख सकते हैं। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, मदरसन तुमी लिमिटेड है, उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं इनके जो कि ग्रुप कंपनीज़ के रूप में चलती हैं। तो आप पूरा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा, मदर तुमी अबाउट अस के बारे में। बट ओवरऑल अगर आप मोटा मोटा समझेंगे तो कंपनी कोर ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है, और ऑटो इंडस्ट्री के लिए स्पेशली कंपनी काम करती है। ओके, इसके अलावा टेक्निकली चार्ट पे अगर मैं आपको मदरसन तुमी के बारे में बताता हूँ, सो हमने फ्राइडे को इस स्टॉक को लगभग हमने 243 के रेट पे हमने इसको बताया था, वहाँ से लगभग इसने लो 234 का टच किया था, जो कि हमने लगभग 230-233 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस भी अपने जो टेलीग्राम यूजर्स उनको बोला था। गिरावट की संभावना बहुत कम है, वो भी जो भी स्टॉप लॉसेज होते हैं वो क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं। कल ये 234 गया, बट क्लोजिंग कहाँ पर आई है, क्लोजिंग आई है 256 की रेंज में, यानी कि एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न। और नेक्स्ट टारगेट अगर जो इसका आएगा वो लगभग रहेगा 280, मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में ये स्टॉक आपको 280 से 300 का लेवल टच करते हुए दिखाई दे सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में रहेगा, कभी थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, कभी फ्लक्चुएटेड वे में नीचे आएगा, कंसोलिडेशन होगा, बट ओवरऑल 4 से 6 महीने के अंदर ये स्टॉक 300 रुपये का लेवल टच करने का पूरा पोटेंशियल भी रखता है। स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, एक सपोर्ट बेस मेंटेन किया है स्टॉक ने 235 की रेंज में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा और मजबूत सपोर्ट बेस है। आप ये देखिए यहाँ पर दो जगह 17 अप्रैल 2015, 14 अगस्त 2015, उसके अलावा 12 अगस्त 2016,
एंड लेटर ऑन 11 नवंबर 2016। तो ये तीन चार बार इस लेबल को होल्ड किया बहुत स्ट्रांगली, एक बड़ा भारी रेजिस्टेंस था जिसको इसने क्रॉस किया और क्लोजिंग शुरू हुई आफ्टर 10th और 11th February। जो वीक रहा आपका जो 10th February का 11th February का जो वीक रहा उसके बाद से इस स्टॉक में तेजी आई। और ये वीकली चार्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, और वीकली चार्ट में उसके बाद नॉन स्टॉप जर्नी दिखाई स्टॉक ने। 233 से स्टॉक ने अपना जो हायर हाई टच किया वो तकरीबन 397 या 395 के आसपास टच किया। ओवरऑल उसके बाद एक कंसोलिडेशन आया स्टॉक में वापस, और गिरावट का दौर चला, लोअर लो लोअर हाई पैटर्न को मेंटेन किया स्टॉक ने, और अपना जो वापस सपोर्ट लेवल मेंटेन किया वो सेम 233-234 पे आकर स्टॉक ने अपना सपोर्ट मेंटेन किया। आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल थी लास्ट वीक की 12th अक्टूबर की, उसने अपना जो लो टच किया था वो 220 का लो टच किया था, जो कि हम अभी आप शुरू हमने आपको वीडियो में बोला भी होगा कि 220 इसका बहुत ही मेजर सपोर्ट लेवल है। तो यही इसका वो मेजर सपोर्ट लेवल है 220, जो इसने लो टच किया 12th अक्टूबर की वीकेंड में, ठीक है। तो ओवरऑल आप फाइनली 220 को एक मेजर सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। टारगेट हम 280-300 का मान के चलते हैं अगले 6 महीने के अंदर। स्टॉक के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त पोटेंशियल है, होल्ड करने वाला स्टॉक है, लंबी अवधि में आपको मल्टी फोल्ड मल्टी बैगर रिटर्न देगा। फिलहाल एक लार्ज कैप का स्टॉक एक पैनी प्राइस में इस वक्त आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, बट एक बार जब चलना शुरू होगा रैली शुरू होगी देन आप उसको नहीं बाय कर पाएंगे। हाँ, जो लोग ज़्यादा लंबी अवधि के लिए स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते, जिनको अभी स्टॉक को बहुत लंबी अवधि के लिए होल्ड नहीं करना है, उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि 30th अक्टूबर तक जो भी रैली आती है उस रैली के बाद वो निकल जाए 30 अक्टूबर से पहले, क्योंकि जब 30 अक्टूबर का दिन आएगा उसके बाद 30 अक्टूबर का स्टॉक में बोनस अलॉट होगा, और बोनस अलॉट होने के बाद जो स्टॉक का जो प्राइस होगा वो नीचे आ जाएगा, और फिर कुछ दिनों तक स्टॉक लोअर लेवल्स पर कंसोलिडेट कर सकता है, ये चांसेस हैं। तो आपको री एंट्री के मौके मिलेंगे, क्योंकि देखिए बोनस का जो फ़ायदा होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो लोग लॉन्ग टर्म के पोजिशन होल्डर्स होते हैं, जिनको मतलब तुम्हें को अगले 5 साल के लिए रखना है, वो बोनस शेयर को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा लंबी अवधि के लिए मतलब तुम्हें को नहीं रखना है, जो छोटी ट्रेडिंग पर्पस के लिए देख रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग 30 अक्टूबर से पहले बाहर भी आ सकते हैं, और फिर क्योंकि हो सकता है बोनस को आपको अगले 6 महीने तक बेचने की परमिशन ना हो सकता पॉसिबिलिटीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कंपनी इस तरह की अनाउंसमेंट कर देती है कि आप बोनस शेयर्स को अगले 6 महीने के लिए नहीं सेल आउट कर सकते, तो जब वो केसेस आ जाते हैं तो आप नहीं बेच पाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका कि आप उससे पहले निकल जाइए, उसके बाद जब ये कंसोलिडेटेड में आपको लोअर प्राइस मिले देन आप अगेन री एंटर कर सकते हैं मदरसन सुमी में फॉर द नेक्स्ट रैली के लिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली बहुत साउंड स्टॉक है। जो बोनस शेयर लेना चाहते हैं, जो लोग बोनस देने वाली कंपनीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मदर रतन सुमी के साथ, ठीक है। तो ये हमने मदर रतन सुमी के बारे में बात की। अगर हम एनुअल नंबर पे भी बात मंथली चार्ट पे भी बात करेंगे, सो ओवरऑल मंथली चार्ट पे भी 230 इसका बहुत ही बड़ा बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट रैली जो है इसको 400 प्लस के ऊपर लेके जाएगी डेफिनेटली अगले 12 से 18 या 20 महीने के अंदर, बट ओवरऑल आपको बहुत बढ़िया मुनाफा मिलने वाला है इस स्टॉक में। चूकिएगा मत, जैसे ही ये स्टॉक आपको राइट प्राइस में मिले आप उसको खरीद सकते हैं, एब्सोल्युटली उसको कैप्चर कर सकते हैं, और फिर आप अगले 12, 18, 20 महीने के लिए स्टॉक को भूल जाइए। सो फ्रेंड्स, ये हमने बात की मदर रतन सुमी, जो कि एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, पैनिक मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है अपने बड़े मजबूत सपोर्ट 230 लेवल को मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, 220 को डेली चार्ट पे, एंड स्टिल मुझे लगता है कि इसके अंदर एक बड़ी रैली ड्यू है, पेंडिंग है, जो कि बोनस के बाद कभी भी आ सकती है, कोई नहीं जान सकता। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि बोनस शेयर अलॉट होने के बाद यानी 30 अक्टूबर के बाद स्टॉक में कंसोलिडेशन कुछ दिन चल सकता है। सो मार्जिन ट्रेडिंग मत कीजिएगा आप मार्जिन ट्रेडिंग में फंस सकते हैं, क्योंकि जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने 25 से 26 तारीख में ख़रीदा, 7 दिन का समय मिलेगा हमें, बोनस आ जाएगा, उसके बाद हम उसको रैली पे बेच देंगे, तो वो लोग फंस सकते हैं, उनको नुकसान हो सकता है। ये स्ट्रेटजी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि
दुनिया में अकेले आप ही समझदार नहीं है, सब जानते हैं इस चीज़ को कि इस तरह की हरकत, इस तरह के काम ट्रेडर्स जो हैं वो कर सकते हैं बोनस से कुछ दिनों पहले स्टॉक को खरीद के और बोनस के बाद स्टॉक को बेचने का प्रयास कर सकते हैं मार्जिन्स में। लेकिन इसीलिए प्राइस कंसोलिडेट होता है और आप वहाँ पर फिर नुकसान में बेचने के लिए बाध्य हो जाएंगे। खैर इतनी ही बात करूँगा, अगले वीडियो में जल्दी ही फिर कुछ नए अच्छे स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा। अगर आपको मदरसन सुबी के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर इस प्रीमियर वीडियो पे आप लोग मेरे साथ डिस्कशन मोड में रह सकते हैं अगले एक घंटे के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।